स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लासीफाइड इन टू सेवरल फेजेस, बहुत से फेजेस पर क्लासीफाई की गई थी। आपने देखा था कभी डिफरेंट फेज ऑफ मैटर या फॉर्म ऑफ मैटर, कभी टाइप्स ऑफ रेडिएशन पर, कभी टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन पर, कभी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर पर, इस तरीके से कभी आर या आर डिस्कवर पर बहुत से नाम थे। और आज के शुरू में करीब 1500 से ज़्यादा ब्रांच, ये खुद में एक साइंस है, सेपरेट साइंस की तरह ट्रीट हो रही है। इसकी अच्छी चीज़ है कि हर डिसिप्लिन में आप इसको लगा सकते हैं। आप बायोलॉजी में जाएंगे तो इसको लगा सकते हैं, आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसको टेलीमेट्रिक्स में आ जाती है। आप चाहें इसको कि उनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना है वहाँ भी लगा सकते हैं, आप पार्टनी में भी लगा सकते हैं, आप में भी लगा सकते हैं, आप मेडिकल में भी लगा सकते हैं। उसके शब्दों में ये इंडिपेंडेंट साइंस की तरह है जो सभी को जोड़ती है। आप बायोटेक्नोलॉजी में भी इसके साथ काम कर सकते हैं, इसका कोई हॉरिजन नहीं है, कोई खुद का अपना डायमेंशन नहीं है, लिमिट प्लेस है। आप एस्ट्रोफिजिक्स भी कर सकते हैं, आप इसके समुद्र की गहराई में भी कोई चीज़ है उसको भी कर सकते हैं। कि खास बात यह है, चाहे मेट्रोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, किसी भी डायमेंशन में आप जाकर हमें, क्योंकि लिमिटेशन कुछ नहीं है। आपके लिए क्या होना चाहिए, मटीरियल होना चाहिए, चाहे बायो मटीरियल हो, चाहे वो मेडिकल का मटीरियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे ह्यूमन मेड मैन मेड हो, सिंथेसाइज हो लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल मटीरियल हो, या कोई नया मटीरियल आप देख सकते हैं तो उससे आप इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। यानी इसमें हर डायमेंशन है कि चाल से इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो, मेरी अंदर आस्पेक्ट्स ऑफ दी साइंस, जो भी साइंस है उसमें इंजीनियरिंग भी है, उसमें थियरी भी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कहाँ और कैसे ले जाते हैं। केमिस्ट से बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, पार्टी में भी जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगी, बायोप्रोडक्ट्स में जाएंगे, जीन इंजीनियरिंग में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे किसी भी तरह के किसी मटेरियल को ले लीजिए। बायोलॉजी में सेल एक मटेरियल है या सेल एक पार्ट है, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वाइन इंडस्ट्री हो सकती है, वो उस इंडस्ट्री हो सकती है, फूड इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, इन एडिशन टू दी तमाम ड्रग टायर से लेकर के आप सबकी स्टडी से कर सकते हैं। हमने बात की थी स्टडी के लिए, क्या स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ दी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन दी गई थी कि सिस्टमेटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आर फ्रीक्वेंसी आर वेव नंबर आर एनर्जी नॉन एज दी स्पेक्ट्रम। बहुत सी डिवाइसेस थी, अब ये रेगुलर अरेंजमेंट आपको मिलेगा नहीं, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट थे जिससे हम स्पेक्ट्रम को बना सकते हैं। चार इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए आपसे बात की गई थी जो आपके कोर्स में, स्पेक्ट्रोस्कोप जिससे हम स्पेक्ट्रम बना सकते हैं और केवल देख सकते हैं, इसमें और कोई मॉडिफिकेशन स्पेक्ट्रम में मॉडिफिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको देख सकते हैं, जैसे भगवान को हम देखते हैं, भगवान को वो संशोधित नहीं कर सकते, भगवान को बदल नहीं सकते। भगवान की तरह घर में मूर्ति बनाए उसको फाट छाट सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में जाते हैं तो अलाउड नहीं है, आपको दर्शन करिए और चले आइए। दूसरा था स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें से स्पेक्ट्रम बनाते थे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत से मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं है, आप बहुत सी जगह जा करके आप जो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं आप फोटो ले सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हम कभी यहाँ आए थे। देखते हैं कुछ लोग मंदिर के परिसर में खड़े होकर या मंदिर से बाहर, जिसको गर्भ गृह कहते हैं, जो पूजा गृह कहते हैं, वहाँ बहुत से जगहों पर फोटोग्राफ अलाउड नहीं, या चमड़े का सामान या इस तरह की तमाम चीज़ें अलाउड नहीं है। तमाम कारण हो सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, आप उसकी रेप्लिका या डुप्लीकेट कहीं ना खड़ा कर दें कि वो ओरिजिनल जैसा दिखने लगे, तो ये तमाम चीज़ें अक्सर अलाउड नहीं है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से हम किसी चीज़ को स्पेक्ट्रम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं या आपको देख सकते हैं, और साथ में हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये भी आजकल थोड़ा आउटडेटेड होता चला जा रहा है, आजकल किसी और फॉर्म में आना शुरू हो गया स्पेक्ट्रोमीटर। हम क्या करते हैं कि उसमें स्पेक्ट्रम बना सकते हैं और फिर नाप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई विमान भी नाप लिया, रंग रूप नाप लिया, अपने जाके घर में बना लेते हैं। ऐसा तमाम आप देखते हैं फिल्मिस्तान या फिल्म की दुनिया एक हिंदुस्तान में, जहाँ सब कुछ देख करके वो एक सेट के अंदर बना देते हैं जैसा वो चाहते हैं। मंगल ग्रह गए नहीं, लेकिन पिक्चर मंगल ग्रह भी बना सकते हैं, बाद एटमोसफेयर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो माइनस डिग्री के टेम्परेचर हैं वो किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएट किए जा सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, कुछ इस तरह की डिवाइस है कि आप जो है स्पेक्ट्रम को बना सकते हैं और साथ में उसको मेजर, क्या मेजर कर सकते हैं, उसकी पोजीशन मेजर करते हैं, दैट इज़ द यानी उसमें जो पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको निकाल सकते हैं। तीसरा या फाइनल था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो आज के देश में आज के समय में बहुत ज़्यादा कारगर है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम उसमें क्या करेंगे, एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, स्पेक्ट्रम की
पोजीशन भी मेजर कर सकते हैं और साथ में उसी जगह पर उसकी इंटेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी हर एक स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक ऐसी डिवाइस होगी जो स्पेक्ट्रम बनाएगी, रिकॉर्डिंग हो सकती है नहीं भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग में इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं या पोजीशन मेजर कर सकते हैं या हम केवल देख करके छोड़ दें। बहुत से नाम आपके पास थे, फोटोग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था पुराने ज़माने में, आजकल कोई फोटोग्राफ देखना नहीं चाहता, आजकल वीडियो फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ देखना चाहते हैं लोग या सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो भी बेकार हो गया, पहले लोग वीडियो से काम चला लेते थे, अब लोग टिकटॉक पता नहीं क्या क्या बनने लगे हैं, उसको पसंद करना शुरू कर दिए हैं। वीडियो का एक और फॉर्म आ गया, इसका एक और फॉर्म नया आ रहा है, आप देखेंगे कि उसमें ये पूरी की पूरी क्या करेंगे, शरीर का फोटोग्राफ लेंगे और उसको एक साथ जोड़ देंगे, छोड़ो लिया आपने तमाम फोटोग्राफ उस लिया और उसको जोड़ दिया, चार फ्रेम चार फोटोग्राफ लें सर पर सेकंड और उसको जोड़ने की कोशिश करें तो स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, वो आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, गलत फोटोग्राफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन चार से ज़्यादा कर दें, एक सेकंड में आठ फोटोग्राफ आपके रिकॉर्ड करें किसी तरह जोड़ दें तो आप मूवी नजर आने लगेंगे, आप स्किल के बजाय इन मोशन हो जाएंगे, आप चलते फिरते काम दिखाई दे पाएंगे। अगली लोग आजकल 16 फ्रेम 16 जो है इमेजेस पर सेकंड रिकॉर्ड करते हैं, आप किस तरह के कैमरे लगाते हैं, कितनी स्पीड होनी चाहिए कि एक सेकंड में 16 फोटो आपकी खींच सकें, तब आप कैसे दिखाई पड़ेंगे चलते फिरते, हर सेकंड की फोटो हम मर्ज करते चले जाए कोई तरीका होगा हमारे पास, यानी ढेर सारे लोग हों जैसे कमरे बंद करते चले जाते हैं, ढेर सारे फोटोग्राफ लिया हमने उसको क्या किया किसी तरीके से बंद कर दिया तो आप मूवी फोटोग्राफ में चले आएंगे। ये था जिसको कहते थे वीडियो, एक वीडियो था अभी, अब वीडियो को जाए टिकटॉक आ गया कुछ, इसमें कुछ और है, इसमें किसी तरह साउंड डाल देते हैं, सारे एक्शन को मर्ज करने के साथ साउंड की वेलोसिटी कुछ और थी, इमेज की वेलोसिटी कुछ और होगी, दोनों के साथ कुछ ऑटोमेशन मॉडुलेशन की प्रक्रिया करेंगे, एक सर्किट लगाएंगे कि साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लेवल सेटिंग जिसको कहते हैं, डेसिबल में उसकी लेवल सेटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कुछ भी करते हैं, सो कॉल्ड डबिंग, डब का मतलब उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना। तो ये आजकल नया फॉर्मेट आ गया, इसको हम लोग इसमें से दो लोग को उस एक्ट करते हैं साथ में म्यूजिक म्यूजिक किसी थर्ड चीज़ से लगा देते हैं, ये आजकल बहुत पॉपुलर होता है। इसके और नया फॉर्म आया जो बात करके नाम बनाएगा, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सो कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी तरीके से आप स्टडी कर सकते थे, कहीं भी इसको लागू कर सकते हैं, मेगा डिफरेंट बॉक्स ऑफ लाइफ है, आप उसमें एथलेटिक्स भी स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं, ड्रग्स भी स्टडी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल भी स्टडी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या टिश्यू इंजीनियरिंग, डीएनए इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग, यू कैन गो एनीवेयर, पेट्रोलॉजी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच है जो हर जगह लागू होती है। बड़ा सवाल था ये जो स्पेक्ट्रम बनाया हमने इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, तो जरा इसको जिस तरह से बनाने के जो मेथड हैं ज़्यादातर किताबों में कुछ अलग अलग दिया, पैरा इन जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटू थ्री मेन डिविजन मेन कैटेगरी थ्री मेन कैटेगरी मेन भी ये हम अभी बढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई फिनोमेना रहेगा कोई इसको कुछ नाम देगा तो हम वर्ड को साइलेंट कर रहे हैं। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा एक तरीका है कि हम किसी को जानते हैं उसके द्वारा कहे गए शब्दों से या उसके द्वारा इमिशन ऑप्टिकल कोडिंग वर्ड होगा, वर्ड का मतलब है ऊपर टू से दिखाई पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी इनहेरेंट होगी तो मटीरियल के अंदर जो होगी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल कोडिंग होगी उसको निकालना है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, यानी मटीरियल में जो चीज़ है उस कोड के रूप में निकल चुके है उसको हम अपनी भाषा में डिकोड करेंगे, तो नाउ द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने कुछ पहले भी इंडिकेट किया था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं, किसी ने आप तो कुछ कहा बता दें जो काज है जो मेल है वो बहुत बोलता है सुनता था, लड़कों से आप कहिए सुनेंगे, लड़कियों से कहिए सब एक दूसरे समय आने पर निकाल कर पहले सब पूरा एक तरीके से बदल लीजिए, आप बोलते रहिए एक समय अगर आता आया जब वो मिशन शुरू होगा तो सारा एक दर्शन पूरा हो जाएगा, तो कहता है मिशन और दर्शन का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा हो सकता है। सी एक और वर्ड है
दुनिया आज के बहुत तेजी से बढ़ रही है, सड़क से लेकर के हर सिग्नल में, हर चौराहे पर, हर बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ेगा। रात में चमकते हुए बड़े अच्छे से बोर्ड आपको दिखाई पड़ते हैं। रात में बहुत शहरों में आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनमें लाइट रात पड़ती है, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं सड़क के किनारे। दिन में आप जाएंगे वहाँ कोई पेड़ नहीं होगा। बहुत पहले माघ मेला में पिछले साल यहाँ भी लगे हुए थे कुछ आर्टिफिशियल, जिसे फाइबर लगाएंगे, लाइट डालेंगे, पेड़ बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वो पेड़ जैसे ही लाइट खत्म, फिर खत्म हो जाता है। कुछ एक झंडी जैसी कोई चीज़ आपके सामने रहेगी, साइन बोर्ड। रात में बहुत अच्छी लगती है। सड़क पर आप चलते हैं, बहुत लाल पीली सड़क, सिग्नल्स आपको लेन के लेन दिखाई पड़ते हैं। दिन में कहाँ चले जाते हैं सर, पता नहीं। इतनी अच्छी सड़क रात में दिखती है। आप अपनी मोटरसाइकिल बाइक से जाइए तो आपको बढ़िया लाल लाल सब टिमटिमाते हुए जमीन के अंदर से बहुत से आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी के जलते हुए बल्ब नजर आते हैं। ये क्या है, ये नीचे वाली टेक्नोलॉजी है, फ्लोरोसेंस है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, खुद की उसकी कितनी भी हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसको अच्छा दिखाना है तो दाउ विल यूज दिस टेक्निक, बट इसका दी फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी अगर एक आदमी मान लीजिए कि जिस तरह का है उसे कई गुना अच्छा उसको दिखाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी दैट इज हम फ्लोरोसेंस मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे, उसको ऊपर लगा देंगे। स्वयं देखने में बहुत सारा होगा लेकिन इतना अच्छा दिखेगा कि आप उसको पहचान नहीं सकते हैं या ये नहीं कह सकते कोई कंप्यूटर डिस्क्राइब वन बाई वन बट इस बात की इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये प्रोसेस भी कुछ लोग इसको कहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्रोसेस। हमने वर्ड छोड़ दिया, आपको डिसाइड करिए बट इस बात की इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इनिशियल स्पेक्ट्रम कर दीजिए। चलिए एंड इनिशियल स्पेक्ट्रम दोनों एक ही चीज़ें हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। एक सिंपल फिजिक्स है माइनली मेटीरियल्स, माइनली मेटीरियल्स हम मेटीरियल्स वर्ड की बात करें जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। बायोलॉजिकल मटीरियल हो सकता है, फिजिकल मटीरियल्स हो सकता है, एस्ट्रो फिजिकल मटीरियल हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है, नेचुरल मटीरियल हो सकता है, प्योर हो सकता है, मिक्स हो सकता है। मटीरियल वर्ड हमने इस्तेमाल किया मतलब कुछ भी हो सकता है, ये जो भी है आगे चलते हो। मटीरियल्स आर एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब यहाँ पर सिर्फ है कि हीटेड कर दीजिए, यानी एक्साइटेड का मतलब है बाहर से जल्दी सब लगे। Materials are excited, they emit radiation. ये radiation के बाद ये visible हो सकता है radiation, ये R की जो visible हो सकता है या and हो सकता है, दोनों हो सकते हैं and R। ये आँख से आपको दिखाई पड़ सकता है radiation, ये नहीं हो सकता। यानी किसी व्यक्ति को एनर्जी आपने दिया, वो व्यक्ति किस रूप में है इस पर निर्भर करता है। छोटे बच्चे हैं, लोग पीट पीट करके सुलाते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, हाथ से ठोकते हैं, उसमें से हैमरिंग होती है धीरे धीरे। आप देखते हैं सब लोग गाना गाते हैं, साउंड लोरी सुनाते हैं, साउंड एनर्जी होती है और साथ में ठोकते जाते हैं छोटे बच्चे को, बहुत जल्दी सो जाता है। ना सो रहे हो तो भी आप ऐसा करिए तो सो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर सुलाना है चमकी उमकी कर दीजिए, मसाज कर दीजिए, सो जाएगा आपको, चलते चलते सो जाएगा। ये कहाँ से आकर हमने एनर्जी दी, यानी कुछ अपनी बात करेंगे कि जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, बहुत से मेथड हैं। किसी को हैमरिंग करके दे सकते हैं, किसी को खिला पिला करके, लोगों को खाना खिलाइए, लंबी लंबी ठोकते हैं, झोंकते हैं, नॉन इंडियन टाक करते हैं, कहाँ से आ गई एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। ये इनविजिबल रेडिएशन थे, साउंड के रूप में निकलते हैं। किसी को खाना खाने के लिए बुलाइए, पहले दुनिया भर की बात बताएगा, जब खाना खा लेंगे तो और लंबी बात करता है। आप देखते हैं खाना खाने में हमारे यहाँ तमाम आप चाहते हैं टेबल टाक या डिनर टाक, पता नहीं कौन कौन जा कर टाक आ गए उसमें से, डिनर डिप्लोमेसी जिसका नाम है। एक देश दूसरे देश से जब बात करता है तो आप देखते हैं कुछ आजकल चाय में भी चर्चा हो जाती है, कुछ काफ़ी में भी करते हैं। यानी खाना जरूरी है, एनर्जी देना जरूरी है, बिना चाय दुनिया में या हिंदुस्तान में स्पेशली कोई भी मीटिंग बिना खाए पिए नहीं होती है, तो जरूरी है इसलिए चाय, बाकी कोई काम हो चाहे ना हो, एनर्जी सप्लाई करना जरूरी है। क्या निकलेगा उससे, विजुअल रेडिएशन हो सकता है, वो इनविजिबल रेडिएशन हो सकता है, वो अगर साउंड के रूप में तो ऑडिबल हो सकता है, कुछ ना बोले व्यक्ति सब खा के चले जाए लुटेरे बिना मुझे बात करके शादी वादी हो रही हो, वो जाते हैं आबादी मस्ती के बच्चे पूरे शहर में और दिन पहले खिचड़ी बिक रही थी या बट रही थी, खाने वाले सब इलाहाबाद के थे, पैंट सूट टाई वाले ले लो कहते हैं मिल रही है, देख करके पूरी खाना जिन बच्चों ने अपनी पॉकेट का पैसा लगा लगा करके डेयरी या मंडी बेच रहे दे रहे थे लोगों को, वो सब यही लोग खा रहे, बाहर वाले तो आए नहीं। सब लोग यही खा, आपने देखा होगा उसके किनारे कोई नई बात नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है,
तो ये क्या था एनर्जी सप्लाई करते हैं वो विजिबल होगा रेडिएशन या ये नहीं रेडिएशन की बात कर रहे हैं वहाँ से दिखाई पड़ सकता है। एनर्जी देने के बहुत से तरीके होंगे, हीट कर सकते हैं। अब आदमी को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो इस गिलासा में गर्म करने का मतलब आप समझ गए, तो हीट उसमें बहुत एनर्जी देते हैं, इसके बाद वो बोलना शुरू करता है। तो बहुत से तरीके आगे कौन कौन से रेडिएशन क्या ऊपर मिला इसमें क्या, किसी तरीके से आपको रेडिएशन मटीरियल से या तो निकालना है या मटीरियल उसको एक काम करें से कोई एक काम ये मिशन है इसलिए मटीरियल को। तो एज रेडिएशन दे इमिट्स रेडिएशन, दिस मींस क्या हुआ कि मटीरियल खुद एज रेडिएशन सोर्स हो गया, मटीरियल से रेडिएशन निकलता है तो मटीरियल एक बल्ब की तरह काम करेगा। क्या होगा इस पोजिशन पर उसमें कुछ ना कुछ अपने आप जो है रेडिएशन, आप किसी को अपने घर में खाने पर बुला लीजिए, थोड़ा कुछ खिला दीजिए, चाय वाय पिला दीजिए, फिर वो नॉन एंटी ट्रैक करता रहेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप बस सुनते रहिए जितना सुन सकते हैं, बाद में कहिए भाई चाहिए हमको भी खाना है। तो आप देखते हैं लोग गलती से भी गेट पर जाते हैं और गेट से बाहर ढकेल करके अंदर ताला लगा के चले आते हैं, फिर लौटना है कहीं यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग खाने पर बुलाते हैं तो उनको गेट तक विदा करके आते हैं, कोई फिर बंदा है इसलिए उनको गेट तक छोड़ कर आते हैं या आपको इस तरह की पोजिशन होती है, बात शुरू होती है सर से और ख़त्म होती पैर से जा रहे होंगे तो उनको पैर सकते हैं, तमाम संस्कृतियों का एक आराम, हम आते हैं तो नमस्ते करते हैं लेकिन जब जाते हैं तो पैर सकते हैं, उल्टा हो जाता है, आते हैं तभी छोटे बच्चों को पैर छूना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है आपको ये ऊपर से ऊपर का एनर्जी लेवल उसका कैसा होगा, नीचे का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल कैसा होगा, आते जाते हम ऐसा क्यों करते हैं, छोटे बच्चे आते हैं लोग उनकी किसी ले लेते हैं, बाद में जाते हैं उनके पैर छून लेते हैं, व्हाट इज दिस तमाम करते हैं, तमाम वर्ड लिखे रहते हैं, सुस्वागतम उसी तरह के शब्द लिखे रहते हैं, आजकल कुछ हाथ जोड़ करके बनाए रहते हैं, तमाम शब्द हैं इस तरह संस्कृत से लेकर के राष्ट्र जाएंगे, यानी तमाम चीज़ें कुछ लोगों ने लेकिन रखा होगा तो किसी हिसाब लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लिखे रहते हैं, कुछ जोड़े हुए हाथ हम लोगों के यहाँ रहते हैं उस हाथ को अलग कर देते हैं, इस तरह का कुछ भारत की जो पहचान है वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और कुछ नहीं है कि भी आपको अगर आप ले चलते हैं द पॉइंट इज ओनली कि दिस बिकम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये था नहीं हमने क्या किया इसको एनर्जी दे करके बाहर से बना दिया, या आपको कोई मटीरियल उसको रेडिएशन में कन्वर्ट करना होगा, कैसे होगा उसके बहुत से मेथड हो सकते हैं, कोई गर्म करने से होगा, कोई पीटने से होगा, कोई और भी तरीका हो सकता है, बहुत से ऐसे हो सकते हैं, किसी जानवर को आप पीटिए आपके पास तो नहीं रहेगा भाग जाएगा, और ना मैया कहेगा ना दैया कहेगा, आदमी उसको पकड़ के मारिए तो दैया मैया ऐसा करने लगता है, लेकिन कोई कुत्ता करेंगे तो क्या करेंगे तो भाग जाएगा में नहीं आएगा, तो जानवरों के साथ ये नहीं करते, जानवरों को लोग पहले कैसे खिलाते हैं, प्रदात मारते हैं, पहले की कुत्ता कैसे करता है ये हम करते हैं कर करके, फिर उनको बुला करके किसी मुर्गी को खाना होता है तो पहले उनको पकड़ते हैं चेजा करती है उसके बाद आप देखते हैं कि अंदर करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे एनर्जी देंगे बाहर से मटेरियल कोई भी हो सकता है, दे इट रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन आ रहा है हाँ जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दी सोर्स, हम इसका सोर्स कहेंगे व्हेन दी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दी सोर्स, अब किसी तरीके से फ्रॉम दी सोर्स यानी ये सोर्स क्या है मटीरियल, ठीक है सोर्स कहाँ कोई ना कोई मटीरियल था उसमें गैस हो सकती इस सारे की ये कहाँ से रेडिएशन, रेडिएशन हवा में नहीं आएगा कहीं ना कहीं से आ सकता है, अब हम क्या करेंगे मटीरियल का रेडिएशन चाहिए हमको, पर कहीं से सेलेस्टियल रेडिएशन आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, उनके अंदर भी कोई मटीरियल होगा वो हाइड्रोजन का फ्यूजन हो सकता है या किसी और हैवी न्यूक्लियस या नाइट्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो सकता है, कोई ना कोई सोर्स होगा उसके अंदर, तो रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दी सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज इज डायरेक्टली प्रति देशों से एनालाइज डायरेक्टली मतलब बीच में कुछ ना हो, ठीक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसको कहते हैं लोग कि हमारा डायरेक्ट सोर्स है, बीच में मतलब कोई दूसरा आदमी ये डायरेक्टली एनालाइज विद दी हेल्प ऑफ वेवलेंथ सेपरेटिंग डिवाइस, वेवलेंथ आइसोलेशन में या सेपरेटिंग डिवाइस और सेपरेटिंग ये वेवलेंथ को अलग अलग करने वाली कोई चीज़ हमारे पास होना चाहिए, तो रेडिएशन आ रहे थे उसमें एक से अधिक रेडिएशन होंगे
कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो वेवलेंथ को अलग अलग करते, तो आपके पास देश में बहुत सी चीजें हैं वेवलेंथ अलग करने की, वेवलेंथ सेपरेटली डिवाइस सच है, इस नाम लिख दीजिए तो आ गया सच है। कुछ वेवलेंथ हम अलग करते हैं, कुछ फिनोमेना जिसका नाम है डिस्पर्सिंग एलिमेंट, डिस्पर्सर फ्रिज में डालते हैं, आप देखते हैं कस्ट एलिमेंट कलर क्या हो जाते हैं, अलग अलग करते हैं हो जाते हैं, हमारी क्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो सब वेवलेंथ अलग, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन। ये ब्रेकिंग ऑफ दी पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू इस कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज दी डिस्पर्सन एंड सच ए डिवाइस इज नोन एज दी मोस्ट रेयर डिस्पर्सन फिनोमेना में उसको हम स्पेशल कहते हैं, या ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इंटरेक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी वेवलेंथ। हर वेवलेंथ के लिए इंटरेक्टिव अलग हो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो ग्लासी मटेरियल हो सकता है, नॉन ग्लासी प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, या वो रबराइज मटेरियल हो सकता है, एस्ट्रोफिजिकल मटेरियल हो सकता है, बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के मुताबिक बदलता हो आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वेवलेंथ का वेरिएशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन इन द फील्ड ऑफ द सो कॉल्ड डिस्पर्सन डिवाइसेस सच है डिस्पर्सन डिस्पर्सर सच है डिस्पर्सिव मीडियम सच है डिस्पर्सिव मीडियम हो सकता है सच है डिस्पर्सिव डिवाइस कर सकते हैं डिस्पर्सिव डिवाइस। इसका एक नाम बहुत अच्छा रखना था आपने प्रिज्म। अब ये प्रिज्म आपने ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़े, प्रिज्म डिवाइस है इसके क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ वेरिएशन, जो वेवलेंथ डालेंगे हर एक लिए अलग अलग, कोई भी मटेरियल का डिजाइन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलती हो इन होमोजीनियस को इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल की होमोजीनिटी। ऑप्टिकल होमोजीनिटी में एक तरफ कहीं पर कंसंट्रेशन कुछ हो उसी जगह कुछ हो, अगर आप बहुत से आइसक्रीम बनाए हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं एक ट्रांसपेरेंट, उसमें से एक लेयर डालें बनाना की फिर उसके ऊपर कुछ और डाल दें ऑरेंज की फिर उसके ऊपर कुछ मैंगो की, देखिए लेयर बदल गई और ये सॉल्यूट का कंटेंट कंसंट्रेशन अलग अलग का अलग अलग इसमें से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। बाहर से एक लाइट डालेंगे इस तरह से बहुत मोटा हो पतला हो थिन लेयर हो तो आपको एक रंग बिरंगा प्रिज्म दिखाई पड़ेगा और आपको अलग अलग वेवलेंथ दिखाई पड़ेगी, तो इसको हम आइसक्रीम प्रिज्म आपने ब्रिक लिया, अभी तो क्या करते थे ट्रांसपेरेंट सिल्वी लेते थे होमोजीनियस मटेरियल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नहीं, आइसक्रीम बनाते हैं लोग घर पे या दुकान में जाए देखते हैं आप लेबर तार बनाते हैं तमाम कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट जेल आते रुपेश आ रहे हैं उसमें देखते हैं किनारे पर कोई कलर होता है कोई मटेरियल होता है, दैट इज दी डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसकी डेंसिटी अलग अलग है, इफ यू चेंज डेंसिटी देन द रिफ्रैक्टिव इज गोइंग टू बी चेंज एंड चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम ना क्या है क्या कहलाता था डिस्पर्सिव कहलाता था, वो भी एक आइसक्रीम पर जो बन सकता है, या एक कुत्ते का खून ले लें एक बिल्ली का ले लें एक ब्योले का ले लें अलग अलग कर दें एक टेस्ट ट्यूब में ऊपर नीचे दिखाई पड़े लाइट डालें उससे कितना दिखाई पड़ेगा एक तरह से नया लाइट बन गया, लेकिन इसकी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी कम होती एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा बाकी कई एब्जॉर्प्शन मटेरियल की कंसंट्रेशन पर एब्जॉर्प्शन निर्भर करता था। ये आर्टिफिशियल प्रिज्म है यानी आपने ट्रेंगुलर प्रिज्म देखा, आज क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म होते हैं, पेंटागोनल प्रिज्म होते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म होते हैं, क्या है जिसमें डिस्पर्सिव एक्शन हो सेफ नहीं, आपने रेगुलर प्रिज्म सब देखे हैं वो भी ग्लास से ज़्यादातर या पार्ट से दो तरह के प्रिज्म ज़्यादातर प्रिज्म में, लेकिन प्लास्टिक के प्रिज्म आ गए आजकल या बहुत और तरह के प्रिज्म आ गए सच है वाटर प्रिज्म भी होते हैं, डिस्पर्सिव डिवाइस हो सकती है, डिफ्रैक्शन डिवाइस हो सकती है, डिफ्रैक्शन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप वेवलेंथ अलग अलग कर सकते हैं, और ये डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा सिंगल स्लिट पढ़ा आपने डबल स्लिट पढ़ा आपने मल्टीपल स्लिट पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ स्लिट कर दें तो उसको हम लोग लार्ज से ज्यादा कर सकते हैं एक नाम है ग्रेटिंग, तो ये ग्रेटिंग क्या है इससे हम वेवलेंथ अलग अलग कर सकते हैं किस फिनोमेना पर बेस्ड है डिफ्रैक्शन और भी हो सकती है डिफ्रैक्शन में आपने ढेर सारी पढ़ी, डिफ्रैक्शन का पर्पज क्या है हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस होता है उससे उसको, तो कोई या तो डिफ्रैक्शन डिवाइस लगा दें बहुत ही हो सकती है जोन प्लेट आपने सुनी होगी यानी अलग अलग तरह के पर डिफ्रैक्शन होता है तो जोन प्लेट में भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर इमेजिंग फोकल लेंथ की तरह भी आप करना है एक इमेज एक जगह हो फिर दूसरी हो फिर तीसरी हो और यहाँ पर एक इमेज बनती है जैसे आप हैं रियल वैसी बनती है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं आपका मान लिया बचपन भी दिखाई पड़े कि छोटे बच्चे दिखाई पड़े फिर बड़े भी दिखाई पड़े एक ही साथ, ऐसा नहीं दिखता आप में केवल एक दिखती है, जोन प्लेट में मल्टीपल फोकी होती है
एक ही व्यक्ति का जवानी बुढ़ापा सब देखना है, क्या इस चीज से देखनी है तो आप यहाँ पे दोनों प्रिंट लगा दें, इट विल आल्सो एक्ट एज ए लेंस होती है मल्टीपल फोकस होती है, यानी आप दिखाई भी पड़ेंगे और साथ में आपको बचपन भी मिलेगा, छोटे बच्चे थे तब करते थे, आप 20 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप परमात्मा देखोगे, आपका बचपन भी दिखाई पड़ता है उनको, तमाम टीवी में दिखाते रहते हैं चंद्र भगवान या गणेश भगवान या हनुमान जी या कृष्ण भगवान को देखते रहते दिखते, लेकिन उनको बड़ा सा देखते सोच सकते तो इतने बड़े हो जाते हैं कि प्रेरणा इनसे अभी तक कैसे आ गए, तो दिस इज मल्टीपल, तो मल्टीपल जोन या हाफ पीरियड जोन या इस तरह की थीरी आपने पढ़ी इसमें, उसमें देखते हैं यंग टाइम आता है, यानी एक आध जगह बहुत प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा तो आप बड़े दिखेंगे, दूसरी जगह उससे छोटे फिर छोटे फिर छोटे, बाद में कहीं पर जीरो हो जाएंगे, आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, आजकल इस मेथड को इस हाफ पीरियड जोन को आपकी लेंस में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक कोई ना कोई तो फिट ही होगा आपके पास, आपको कहीं तो व्यस्त दिखेगा, केवल उसको फिर ब्लॉक करने की जरूरत होती है कि इस तरह फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं, ये तमाम जो यूज है आजकल मेडिकल के फील्ड में वो आम आदमी के हैं, तो ये एक डिवाइस थी, यानी ये डिस्पेशन डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटिंग से आप बहुत तरजीह देखते हैं आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है, तमाम तरह की आपने पढ़ी हो, प्लेन हो सकती, कॉन्केव हो सकती, रेप्लिका हो सकती, ब्लेज हो सकती, नॉन ब्लेज हो सकती, बहुत सी आगे आएंगे, या तीसरी डिवाइस इसको कहते हैं
आप सिगरेट में जानना चाहते हैं क्या है, एफीन है, कैफीन है, या कुछ तंबाकू में से मिर्च का पानी डाल करके पिला रहे हैं, या धतूरे के बीज आपको पिला रहे हैं, आप उसको उसमें डाल दीजिए, वो विजिबल रोटेशन हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, इनविजिबल होगा तो आप उसमें नहीं लिखना पड़ेगा, आप डिस्मन आप श्यामाचरण गुप्ता जी नवाज शहर के उद्योगपति हैं, वो कहते हैं बीड़ी पेट के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, और आपने सुना होगा तमाम बातें कैंसर के लिए बहुत खतरनाक होती है सिगरेट, या लिखा रहता है टीवी में इंजूरियस फॉर दी हेल्थ एंड काजेस कैंसर कुछ लिखा हुआ है उसमें, फिर भी पीने में मजा आता है, चलने वाले निकालने में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या है उसके अंदर आप जानना चाहते हैं, अगर आप अच्छी सी ठर्रा पीते हैं, देसी पीते हैं, महुआ पीते हैं, या तो ब्लैक डार्क उसकी पीते हैं, या तमाम कुछ जो भी पीना चाहते हैं, कैसे बनती है, क्या होता है उसके अंदर, आप उसको रखिए, थोड़ा गर्म कर दीजिए, अपने आप निकल आएगा रेडिएशन, सिंपल तरीका है, तो दैट इज एनीथिंग, आपका खून खराब हो गया होता है, कहते हैं इसका खून गंदा हो गया, पेशेंट फिल्टर करेंगे, कई तरीका ले आइए, उसको रख दीजिए, थोड़ा गर्म करिए, जो उनको जा कर सी डब्ल्यू बी सी है थोड़ी देर बाद लाइट ऑन कर देगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी मटीरियल खत्म हो जाएगा, तो अगर किसी को शंका हो गई कि आपने बीड़ी का ही स्पेक्ट्रम लिया है, सिगरेट का लिया है, अब ये थोड़ा सा विवाद का विषय हो सकता है, वही कहे ये है ही नहीं, कि लोग कहते हैं बदल गया सर, ब्लडी बदल देते हैं, तमाम सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल की रिपोर्ट बढ़िया आ जाती है, दूध पीने वाला बिना उसी भी कहता है गंदा देता है हमारा दूध वाला, लेकिन जब पकड़ के ले जाते हैं तो बीच में पैसे वैसे दे कर बदल देते हैं रिपोर्ट, तो बड़ा सवाल है कि ये जो टेक्निक है ये डिस्ट्रक्टिव है, इसमें मटेरियल ख़त्म हो गया, अब आप उसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपका स्पेक्ट्रा, हम मान लीजिए इस चाक का स्पेक्ट्रा लेना चाहते हैं, इसको गर्म करेंगे, इससे रेडिएशन निकलेंगे, हम रुपए का स्पेक्ट्रा लेना चाहते हैं, फोर्जरी है ये नोट, फोर्जरी के सर पे तो जला देंगे रुपए को, तो लाइट निकलेगी इस मेथड में, रुपया खत्म हो जाएगा, ड्रॉबैक क्या है, मेटीरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी की आँख में देखना है क्या डिफेक्ट है, मैडम की आँख में देखना है कि क्या डिफेक्ट है, इनकी आँख निकाल के पहले अब पता नहीं बाद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या आपका क्या होगा ये मालूम नहीं, यानी ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में एक प्रॉब्लम बस सर ये है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं यूज में नहीं लेते हैं, यहाँ जहाँ पर कास्टलियर चीज़ें हैं, जहाँ कोई फर्क पकवा रहा है उसके साथ तो कर सकते हैं, मिट्टी का तेल फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि बायोफ्लूड आपके दिमाग से निकाल लिया गया, ब्रेन में थोड़ा बहुत फ्लूड था समझने वाला, उसको भी निकाल लें तो दिमाग का खोखला हो गया आपका, और खोखला दिमाग लेकर के क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर जहाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तो इमिशन स्पेक्ट्रस होगी, दी ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक का मतलब ऐसे बनाएंगे अच्छा ये एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर, एक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर इस सोल इंजीनियर इस सोल इंजीनियर इस सोल ब्लॉक डायग्राम का मतलब हम एक ब्लॉक से एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल आप बना सकते हैं ये कोई है, ये हमने कह दिया रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स तो कैसे निकालेंगे रेडिएशन सोर्स, ये मैटर का था जिस मैटर को हमने गरम गरम किया इससे रेडिएशन निकालने का तरीका बता, यानी एक मटीरियल है इसमें मैनिपुलेट इतना करना है इससे रेडिएशन, हमको दूध टेस्ट करना है तो दूध रख के गर्म करेंगे इतना से रेडिएशन निकलने लगे, हमको अगर ब्लड टेस्ट करना है तो ब्लड को रखेंगे इतना गर्म करेंगे, हमको अगर आंवला टेस्ट करना है आंवला इसमें रखेंगे, हमको किसी का दांत टेस्ट करना है तो दांत रखेंगे इसमें से, जो भी चीज़ रखेंगे फिजिक्स सिंपल, पहले मेल्टिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट होगा फिर मेल्टिंग पॉइंट, ये तमाम फिजिक्स आपने पढ़ी हर मिल गई कि कैल्शियम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिजिक्स पहले से मालूम नहीं है तो आप टेबल रखेंगे उतनी ही रंग की बात से देंगे, तब वो क्या होगा सॉलिड मेल्ट करेगा, लिक्विड लिक्विड बॉयल करेगा, वेपर वेपर से बढ़ जाएगा, पानी सेपरेशन के बराबर इतनी एनर्जी बाहर से जो भी एनर्जी देंगे वो देनी पड़ेगी, ये रेडिएशन सोर्स हो गया, इस रेडिएशन सोर्स से हमने कहा डायरेक्टली जो आ रहा है यहाँ पर क्या लगाते हैं वेव लेंथ सेपरेटिंग डिवाइस लगाते हैं, वेव लेंथ सेपरेटिंग डिवाइस, वेव लेंथ आइसोलेशन, वेव लेंथ सेपरेटिंग डिवाइस, अलग अलग वेव लेंथ को करने वाली चीज लगा सकते हैं, और जब ये अलग अलग हो जाए तो हम इसको कुछ डिटेक्टर इस तरह से देखने की चीज लगा सकते हैं, जैसे इसे डिटेक्टर डिटेक्ट करने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि अलग अलग हो गई पता कैसे लगेगा हमको, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर हो गया, और डिटेक्टर के साथ कभी कभी हम जैसा देखना चाहते हैं
हम मानी लाइनें देखना चाहें, इमेज देखना चाहें, हम आंकड़े लेना चाहते हैं, डाटा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिग्नल को हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से इसको कहते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग। तमाम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको करंट और वोल्टेज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, डॉक्टर एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल लेता है तो पूरी इमेज देखता है, वो कहता है इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे करके, लेकिन अल्ट्रासाउंड यानी वो इमेज को देखता है, इमेज से डिस्ट्रक्शन होता है उसमें बताता है क्या क्या डिफरेंट है, तो उसको इमेज चाहिए, तो कहीं करंट को इमेज चाहिए, कहीं इमेज से डाटा निकालते हैं, कहीं डाटा से इमेज बनाते हैं, कहीं ग्राफ चाहिए आपको डायरेक्टली ग्राफ चाहिए आप देखते हैं आप अगर इसमें लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, तो कई बार ग्राफिकल से सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है ये ब्लॉक है, यहाँ रेडिएशन सोर्स रेडिएशन निकालने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, आर्क एक्साइटेशन यहाँ पर एनर्जी देने का तरीका है कि दो रॉड मेटेलिक है लिमिटेशन है दो मेटल्स हैं उसको एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं और कुछ 170 से लेकर 90 वोल्ट तक का करंट देते हैं वोल्टेज देते हैं और हाई करंट 2-3 से लेकर के 1000 एम्पीयर तक देंगे लाइट निकलना शुरू हो जाएगी, यानी आपको अगर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो आपके अंदर भी लाइट निकलना उचित हो जाएगा, लेकिन आप तब तक रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। इसमें एक्साइटेड स्टेट के लिए स्पार्क एक्साइटेशन होते हैं, एक बहुत पुराने आदेश है आज के बाद, लेकिन आज भी वैलिड है। हम किसी किसान की खेती करने वाले किसान की सॉइल में देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, फर्टिलिटी कम क्यों हो गई, कहीं पर बहुत अच्छा सामूद होता है, कहीं पर बहुत अच्छा सा आंवला होता है, तो ये सैंड मैट्रिक्स सैंड के अंदर बहुत से मेटीरियल्स हैं, यानी कौन कहाँ से सैंड आती है या बहुत बार कम हो जाती है उसको देख करके मिट्टी को चेक करके बताया जा सकता है या बाहर उसमें डाल देते हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी होती है, तो ये मिट्टी आप टेस्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में अगर कोई चीज़ कम हो गई शरीर के अंदर बहुत से लोगों को डिजीज होती है, तो वो भी एक थियरी है कि शरीर के अंदर जो भी मेटल है उनमें कम ज़्यादा जैसे हो जाती है डिसबैलेंस हो जाता है कंडीशन, वैसे ही डिसीज आपके पास होती है कोई डिसीज, हेल्दी पर्सन का मतलब है बैलेंस होना चाहिए, जो जितना पोर्शन है उतना ही रहना चाहिए, वैसे ही खाने पीने में जैसे आपने कोई एक चीज़ बढ़ा करके खा ली तो जैसे ही बढ़ेगी दूसरी अफेक्टेड हो जाती है तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीज हो जाती है, तो डिफिशियंसी और एक्सेस दोनों के केस में डिसीज होती है, और उस डिसीज को आप और ठीक करने का तरीका क्या है, वही चीज़ वो सप्लीमेंट हम बाहर से देते हैं कि बॉडी के अंदर फिक्स प्रपोर्शन है, सब कुछ पता है आज की डेट में कि आप दिन भर में कितना कॉपर खाते हैं कितना आयरन खाते हैं, उतना आपको इंटेक के रूप में लेना है, यदि नहीं लिया आपने मान लिया 15 दिन तक आपने कॉपर नहीं खाया आपकी आदत खत्म हो जाएगी, आप देखते हैं 15 दिन तक न बढ़िए कोई चीज़ ज़्यादा खत्म हो जाएगी, क्या रीजन होता है कि जो भोजन है उसमें कॉपर खत्म 0.2 मिलीग्राम पर डे कॉपर एसेंशियल आपने नहीं खाया तो याददाश्त आपकी खत्म, सवेरे जो पढ़ेंगे शाम को सफा हो जाएगा उसमें कोई वो नहीं है, इसी तरह सोडियम का भी है आपने कुछ 5 मिलीग्राम से ज़्यादा खाया तो फिर बीपी होना है आपको, फिर आपके शरीर में इरिटेशन होगा आपको आप कुछ कर नहीं सकते, तो दैट इज मेन कंस्टिट्यूएंट, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं किसी फल में क्या है, ये आर्क के बाद एक डिस्चार्ज होता है गैसियस स्टेट में बहुत डिस्चार्ज एक्साइटेशन, ये सब आपकी लैब में है डिस्चार्ज लैब जिनको आप कहते हैं सोडियम लैब मर्करी लैब आपने देखा एक्साइटेशन, मर्करी को मर्कर नहीं किया था, मर्करी की जगह हम नियान कर सकते हैं, नियान की जगह हाइड्रोजन कर सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस कर सकते हैं, केवल रिकॉम्बिनेशन रेट गैस का ऐसा हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करे, नहीं एग्जिस्ट करता तो वो कंडीशन उस समय आपको बनानी पड़ेगी। आज का जरा ये खत्म करके ये थर्मल एक्साइटेशन घरों में खूब इस्तेमाल होता है, हर चीज को पकाने का तरीका है थर्मल एक्साइटेशन, और ज्यादा पका दीजिए तो रेडिएशन निकलने लगते हैं, भून डालिए खा डालिए रेडिएशन निकलने लगते हैं, इसमें से तमाम एरोमेटिक खुशबू जो खाना बनाने की आती है थर्मल एक्साइटेशन या थर्मल हीटिंग इसको कहते हैं, अब इसमें से माइक्रोवेव एक्साइटेशन भी आ गया है या पहले से मौजूद है वैसे माइक्रोवेव एक्साइटेशन, इतने की इसकी लिमिटेशन है, जैसे थर्मल एक्साइटेशन की लिमिटेशन है कि ऐसी कोई चीज़ गर्म नहीं कर सकते हैं जो हीट की कंडक्टर ना हो, पत्थर को आप डालकर के जल्दी से गर्म नहीं करते, लेकिन अगर पत्थर में कुछ ऐसी कंडक्टिविटी वाली भी चीज़ है तो आप उसको गर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं माइक्रोवेव में हर चीज़ नहीं पका सकते, एक आदमी को डाल करके माइक्रोवेव में फ्राई कर सकते हैं पका सकते हैं, लेकिन पत्थर को डाल करके पकाया देखिए आपको चोट लगी हो आप डाल दीजिए पत्थर और उस चोट से सेकते सेकाई करते कि पत्थर से सेकाई करें और माइक्रोवेव आपके पास हो
तो शायद पत्थर गर्म नहीं होगा। मान लिया थोड़ा मोड़ा लग गया, जरा मोबाइल को अपने आप ऑन कर दिए दो चार मिनट के लिए, और फिर सहलाइए मोबाइल से, तो माइक हीटिंग आपके पास हो जाएगी। वहाँ जो है छोटे बच्चे कि जो दर्द दर्द होता है, मोबाइल से आप हीट की नॉर्मल मोबाइल 15 मिनट के लिए चला दीजिए, मतलब घर के लिए 5 डिग्री तक हीट हो जाता है, या तमाम 1-2 डिग्री हीट करना होता है। हम लोग फूकते हैं, फूक करते हैं, बच्चों को चोट लगती है तो हाथ दिखाते हैं, लोग फूक करते हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी 2-3 डिग्री है, और आप रगड़ते जाइए, साथ में लोग रगड़ते जाते हैं, रगड़ने से क्या होता है 2-3 डिग्री तक यही बढ़ता है। दोनों मिला के फूक करिए और रगड़िए तो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। यानी अगर आपको 5 डिग्री में चाय पिलानी हो, कुछ करनी हो, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का पकड़ के हाथ गर्म कर दीजिए, ज़्यादा तो 3 ही डिग्री बढ़ेगा, यानी उसमें से जो है ये टेम्परेचर, ये माइक्रोवेव आपको पता है कि जरा बहुत पुराने हो गए, ये थोड़ा सा थोड़ा नया है लेजर एक्साइटेशन। इसमें मटीरियल बहुत दूर होगा, नॉन कॉन्टेक्ट में गर्म कर सकते हैं, हम मिसाइल को मार के यहाँ से गिरा सकते हैं, मिसाइल तक जाने की जरूरत नहीं। हम कोई व्यक्ति जा रहा है उसको यहीं से पकड़ के उठा सकते हैं, ये लेजर उठा करके उसको ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं। इतने भाग लेजर है, कोई कार अगर बीच में है और नहीं हटा रहा है तो उस कार को लेजर से पकड़ के टांग सकते हैं, ज़्यादा गतिविधि करें तो उसी को वहीं पे काट भी सकते हैं, उसी को जला सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर 20 मिनट से ज़्यादा आपने ब्लॉकेट किया तो आपकी गाड़ी को सीधे उड़ा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किसने मारा, कहाँ गई, कहाँ से लेजर आई, यानी तो सत्ते के दौरान में ज़्यादा गलती होती है। और जाने अगर हुए आप ट्रैफिक फिनलैंड में, अगर आपने हाफ एन आवर ब्लॉकेट रोका तो पहले जुर्माना देने का प्रोविजन है, एक वार्निंग सिग्नल आपकी गाड़ी के अंदर आएगा, वो अगर उस पर आप रिस्पांस करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज गाड़ी आपको मिल जाएगी वहीं से, न कोई आपके अगल बगल होगा। जैसे ही चालान आजकल कट जाता है, कोई आपके पास अगल बगल नहीं होगा, घर में आपके पास पहुंच जाएगा। तो अभी कुछ लिमिटेशन है इंडिया के अंदर का नहीं है, यानी ये नई तरह की टेक्नोलॉजी है, इसमें से कोई आदमी या पुलिस वुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमाम लेजर के हैंडल्स लगाए जाएंगे, मार्टिक्स लगाए जाएंगे, इन्हीं का काम पुलिस का होगा। सवाल है कि आदमी क्या करेगा, अभी आगे उनसे पूछाएगा। तो ये लेजर साइटेशन है, इसके बाद ये भी पुराना हो गया, ये जहाज की बात का आ गया सिंक्रोट्रॉन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी 2-4-10 लेबोरेटरीज के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉनिक साइटेशन। ये जरा कुछ नए साइटेशन है, एक इसके द्वारा ये है आगे आई है पासिटिंग मेथड। तो ये इतनी तरीके से हम ट्रेडिशन बना सकते हैं, यानी हम हो सकता है तालाब के अंदर न जा पाए, तालाब का पानी स्टडी करना है, ज़मीन के अंदर पानी है हमको स्टडी करना है, अच्छा पानी मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हमको बहुत दूर कुछ स्टडी करना है, सेटेलाइट से सपोज के लिए किसी एरिया का आपको मैपिंग करनी है या देखना है, यानी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तमाम इन सब में अच्छाई है लेजर एक्साइटेशन, चंद्रमा में पानी है तो यहीं से गर्म कर सकते हैं, वहाँ आने के लिए प्रॉब्लम आएगी हमारे रिलेटिव को तो यहीं से गर्म कर देंगे, भेज रहे हैं चिंता मत करिए, गर्म पानी आपको आपको जरूरत नहीं है। अभी तक तो लेजर का गर्म जल धाराएं आपने पढ़ रखा होगा, जल डमरू मध्य दोनों का एरिया है जहाँ पर सब पानी गर्म रहता है, यानी वहाँ आप जाइए और कप में पानी भरिए, अपनी जेब से चाय की पत्ती निकालिए पी जाइए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको भूख लगी आलू का लगा दीजिए उसके 2 मिनट में फोन करके मिल गई आपको खाना, पकाने की कोई दिक्कत नहीं। पानी पेड़ों की तरह हम लोग भी नीचे से पानी चूसते रहते तो ऊपर से बाथरूम से पीने की जरूरत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, पेड़ नीचे की तरफ पढ़ते हैं, यानी हमारी कुछ दिक्कतें हैं। तो पेड़ों की तमाम टेक्नोलॉजी अगर आदमियों के शरीर में आने वाली है कि अगर हवा से पानी हम पी लें, कुत्ते की तरह जीव निकालें पीते रहें, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि आपकी खोपड़ी में ये जो इंटीरियर लगा हुआ है बाल है इसमें तमाम जेल लगाए जा रहे हैं, ऐसे तमाम तरह की क्रीम लगाई जा रही है, ये हवा से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी पीने की आवश्यकता तो क्या चल के पानी मिलेगा नहीं, हवा से ही पीना पड़ेगा, हवा में कहाँ से आएगा एक बड़ा सवाल। यह एकदम गिलास के अंदर में सारा मटेरियल या मास होल्ड करता है इसमें, ये तमाम टेक्नोलॉजी है जो दूर से उनको टच में आर्किया टच में आपको लगाना पड़ेगा, मटेरियल रखना पड़ेगा, इस्पात में रखना पड़ेगा, डिस्चार्ज में कैसे स्टेट के लिए बहुत बेटर है। लेजर एक्साइटेशन बहुत दूर से कर सकते हैं, निकाल के अगर कोई ट्रक फंसा हुआ है पब्लिक नहीं जाने दे रही है, यू कैन डू दिस वन, दैट इज दी वेरी सिंपल
डेड बॉडी भी उठाने दे रही है, बॉडी को ही उठा लिए, यानी आर्टिकल टू इधर क्या आता है। आज के लिए मेथडोलॉजी हो गई कि आपके अंदर शरीर के हम जा नहीं सकते, लेकिन हमको ऑपरेट करना है। मान लीजिए कि आपके लंग में कुछ छेद हो गया, हमको बैंडेज करनी है, क्या घुसने देंगे आप उसके अंदर? कौन घुसेगा उसके अंदर? फाड़ देते हैं तो और प्रॉब्लम। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी वेयर वी आर डूइंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रेन। आप देखते हैं खोपड़ी को बिना ऑपरेट किए सबकी ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? ये जरा टेक्नोलॉजी है कि आपके अंदर कोई नहीं जाएगा, केवल लाइट का रेडिएशन जाएगा। वेवलेंथ कितनी थी, चौड़ाई आपने देख दी, युवा का स्थान था, वो जाएगा सेल के अंदर। एक सेल और दूसरे सेल के अंदर इतनी जगह है कि आप बाहर से डालिए, ब्रेन को काटने पीटने की, खोपड़ी खोलने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं छोटे बच्चे ज्ञान भंडार एक कहते हैं द्वारा ठोकते रहते हैं, कहते खुल गया ज्ञान भंडार, भगा देते हैं लोग तो कहते हैं ज्ञान भंडार खुल गया। ये तमाम प्रोसेस है। ये वेवलेंथ सेपरेटिंग डिवाइस में हमने बात की थी, डिस्पर्सिंग डिवाइस हो सकती है। डिस्पर्सिंग डिवाइस में प्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको छोड़ देंगे। और बाकी को डिफ्रैक्शन डिवाइस थी, डिफ्रैक्शन डिवाइस थी, इसको डिफ्रैक्शन डिवाइस को मैग्नेटिक कहा था। सिंगल स्लिट और इंटरवल की लिमिटेशन है, रजिस्टर पर एक फैक्टर आएगा वो ग्रेटिंग में बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ लाइन्स में निर्भर करता है। स्मॉल लाइन पर सिंगल स्लिट में एक लाइन होगी, उसकी रजिस्टर पर बहुत कम, स्मॉल लाइन टू कैपिटल लाइन होता है, और सिंगल स्लिट में एक ही लाइन रजिस्टर पर बहुत कम होगी। डबल में करेंगे तो दुगनी होगी, लेकिन आप ग्रेटिंग में देखते हैं बहुत सी लाइन थाउजेंड्स में होगी, तो इसलिए रिजॉल्विंग पावर बहुत अधिक है। यानी पास पास जो विवरेंस आएंगे उनको सेपरेट करने की कैपेसिटी कहेंगे। एक ग्रेटिंग हो गया, इंटरफेरोमेट्रिक डिवाइस है, इंटरफेरोमेट्रिक ये है फेवरी पैरा और ये है माइकस। ये कितनी तरह के, यानी इनमें से कोई एक होगा, तमाम नाम है, आर्क एक्साइटेशन, ईसीआर, एसीआर, इसी तरह स्पार्क स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्चार्ज स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम बदलते चले जाएं, स्पेक्ट्रोमीटर्स के नाम से आएंगे ये ग्रेटिंग। जब यहाँ पे खरीदेंगे तो प्रिज्म स्पेक्ट्रो, अब ये मीटर भी हो सकता है, डिटेक्टर, डिटेक्टर आंख जब होगी तो स्पेक्ट्रोस्कोप होगा, तो ह्यूमन आई सब चीज हम कैसे देख सकते हैं, ह्यूमन आई अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आंख से देखते हैं तो फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोप बनेगा। अगर हम फोटोग्राफ लगा दें यहाँ पर, फोटो फिल्म लगा देंगे, फोटो फिल्म, फोटो फिल्म एंड फोटो प्लेट है, फोटो प्लेट, ये फोटो फिल्म और फोटो प्लेट सब पुराने जमाने में बनती थी, आजकल फिल्म की जरूरत नहीं, उसकी जगह प्रोसेस स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया फोटो फिल्म, फोटो, यहाँ पर आपका पहले सी सी डी चार कपल डिवाइस, जिसको प्रोसेस स्क्रीन आप कहते हैं, आपके जो उसमें लगा होता है मोबाइल में, इसको सी सी डी बोलते हैं, चार कपल्ड डिवाइस, चार कपल डिवाइस, सी सी डी। इसके और आगे है, इसमें ड्रॉबैक है कि बहुत टाइम लेता है, खड़े रहिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, तीन चार मिनट अभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, लोग करते रहते हैं, इसमें से ये प्रॉब्लम होती है, सेटिंग बहुत प्रॉब्लम करती है। ये आई सी सी डी बहुत खास है, यहाँ पर ऐसे किया तब तक हो चुकी, इसका सेंसिटिविटी नैनो सेकंड, यानी एक नैनो सेकंड में आपकी फोटोग्राफिक इमेज ले लेगा। आप सोच सकते हैं कि आपको बदलने में कुछ सेकंड लगेगा, अगर डेटा मूव कर रहे हैं तब तक ये रिकॉर्ड कर चुका होगा। तो दैट इज आई सी सी डी इंटीग्रेटेड बोलते हैं, चार्ज का बढ़ गई, या तमाम यहाँ पर इंटेंसिटी मेजर करने के लिए फोटो सेल, नार्मल सेल जो है ये फोटो सेल डिवाइसेज होते हैं, या आई आर रीजन में बोलोमीटर, बोलोमीटर ये क्या आ गया, स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, फोटो सेल इंटेंसिटी को मेजर करेगा, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर बन जाएगा। यानी हम क्या खरीद रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ खरीद रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे हम लोग वहाँ पर कांस्टेंटली के स्पेक्ट्रोमीटर, नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर आपके डिवाइस होते हैं, ये बहुत से डिवाइस हैं। जरा एक है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जैसे होती है, इसी तरह फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन के लिए। हमको अगर अल्ट्रावायलेट फोटोग्राफी करनी है तो अब ना करेंगे, आगे करके अब बात करेंगे, तो ये हम वहाँ पर यूवी फोटोग्राफी करेंगे। हमको आईआर करनी है, अंधेरे में करनी है, बहुत से लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामने जाते हैं गोली मार दिए जाएंगे, चोरों को पकड़ना है तो आई आर कैमरा लगाना पड़ेगा आपको। पुलिस डिपार्टमेंट में तीन कैमरे आई आर लगेंगे, जहाँ आप चाहे दिखे, रात में आएंगे तो कैमरा लाल दिखेगा, दिन में तो नहीं, ऊपर जो लगा है ऊपर वो भी आई आर, यानी रात में भी अंधेरे में आपने कुछ किया तो वो बता देगा दिन में, सब जगह लगा हुआ है, हर जगह अंधेरे करके मेन फ्रेम तक, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं, जीव जंतु तमाम साफ इच्छुक हो सकते हैं।
या तमाम तरह की चीजें हो सकती है, कोई घटना रात में से ऐसी हो सकती है, किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैमरे IR कैमरे हैं इस तरह के लगे हुए हैं, तो अंधेरे में भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोटो सेल्स होगा ये IR सेंसिटिव होगा, अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव भी होते हैं या इस तरह के भी होंगे, आगे चल के बात करेंगे। इसको छोड़ते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में ये स्ट्रिप जाकर ग्राफ जो हो सकता है डाटा डाटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं, डाटा एक्विजिशन सिस्टम यानी जैसा डाटा चाहिए उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम होगा सिग्नल में से। डाटा एक्विजिशन का मतलब आपको डाटा चाहिए XY करंट चाहिए वोल्टेज चाहिए, तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम आता है, या ये ग्राफिकल सिस्टम है, ग्राफिकल सिस्टम है स्ट्रिप चार्टर रिकॉर्डर होगा, स्ट्रिप चार्टर रिकॉर्डर एक पिन चलती है, ऐसे ग्राफ अपने आप बनती चली जाएगी, ये ग्राफ में से ग्राफ बनाना है तो स्ट्रिप चार्टर रिकॉर्डर, ये पहले होते थे, आजकल इमेज डिवाइस आ गई, इमेजिंग डिवाइस यहाँ लगा देते हैं, तो फोटोग्राफी पहले कर देते हैं, फोटोग्राफी एंड इमेजिंग डिवाइस आपने छोटे बच्चे लेकर के जरा कुछ एक बनाते रहते हैं, कैम वैम बोलते हैं, कैम जिसको बोलते हैं, लेकर के जमाने में बड़ा पॉपुलर हुआ था, एक छोटे छोटे लेकर के लोग अपनी तस्वीर अपना वीडियो बनाते रहते हैं, जाते हैं तो देखते हैं आजकल और बिजी वे में ये आजकल तो कोई जरूरत नहीं मोबाइल में, लेकिन शुरू शुरू में सब बहुत कैम कैमरे जिसको कहते थे, ये फोटोग्राफिक इमेजिंग डिवाइस है। अब छोड़ देते हैं यहाँ पर वीडियो डिवाइस कर दिए, ये तमाम डिवाइसेज हैं जिनको हम जैसा चाहते हैं वैसा यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर रिमोट सेंसिंग ऊपर से हम तमाम फसलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तमाम रिसोर्सेज की मैपिंग करना चाहते हैं, कितना रिसोर्स कितना जंगल बचा कितना खत्म हो गया, कितना लैंड भरी कितना जो है लैंड बची और कितना कब्जा हो गई, ऊपर से आप कर सकते हैं। कार्टोग्राफिकल के तमाम सेटेलाइट्स हैं वो तमाम नक्शे बनाते रहते हैं, वहाँ पर आपको इमेज चाहिए पूरी फसल की, इमेज ले इमेज को डिकोड करते हैं, डॉक्टर इमेज लेता है फिर डिकोड करते हैं कितना बड़ा ट्यूमर है आपके पास, कितना बड़ा सपोज कर लीजिए कि कुछ डिसीजन है आपके पास उसमें से ट्यूमर या घाव या कुछ भी कहें या फ्रैक्चर कितना मोटा कितना बड़ा है, डॉक्टर पहले इमेज लेगा फिर डिकोड करेगा। अभी हम क्या करते हैं, पहले डाटा लेते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं इमेज बनाते हैं, इमेजन की हम कितने पीछे हैं। अब ये डाटा का सिस्टम खत्म हो गया, या तो ग्राफ डायरेक्टली आती है उसी में बनी बनाई या फिर ले जाती है इमेज से हमको जहाँ जरूरत होती है उस फोटो को डिकोड कर देते हैं, उसी को हम डाटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नई तरह के डिवाइस है कि यहाँ बैठी मैडम इनकी फोटो लेंगे डॉक्टर के पास भेज देंगे, टेली मेडिसिन जिसको कहते हैं, वहाँ से डॉक्टर इनको बता देगा कि आपके पेट में ये प्रॉब्लम है ये दवा ले लीजिए, टेली मेडिसिन का दूसरा सिस्टम जो दवाओं का है। अभी क्या था, हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर पहले हमारा वजन लेता था मास, फिर टेम्परेचर लेता था मेजर करता था, फिर प्रेशर लेता था, और हम कोई कैसे सिस्टम समझ करके सब दवाई करता था, हम कैसे सिस्टम नहीं है, हम तो सॉलिड बॉडी है, लेकिन अभी तक फिजिक्स क्या थी तो डॉक्टर ही लगाता था पहले। अब वो आप लोगों के जमाने में वेइंग मशीन में नहीं खड़ा करते, पहले बॉडी मास इंडेक्स नहीं तो डॉक्टर मास लेता था, मास खत्म कर दिया, टेम्परेचर ना चाहते हुए भी थर्मामीटर लगा देते, एक आला टाइप की चीज़ बांध करके प्रेशर ले लेते, तो आपको गैस सिस्टम बात के लिए नहीं करते, आप कहते हैं कि जाइए पहले अपना पैथोलॉजी करा के आइए या MRI करा के आइए, आपकी बॉडी के अंदर सब हार्मोनल बैलेंस ठीक है कि नहीं, प्रोटीन ठीक है कि नहीं, लिपिड ठीक है कि नहीं, सारे टेस्ट यही अब बायोलॉजी वाले भी पूछे आपने, तो खाली अब टेम्परेचर प्रेशर फिजिक्स वालों की जरूरत नहीं, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहाँ पर प्रोटीन कम हो जाता है, आप देखते हैं ब्लड कम हो जाता है लोगों का, पैथोलॉजी कराना कंपलसरी कर तमाम चीज़ों में से आपकी इमेजिंग कराना डॉक्टर ने कंपलसरी कर दिया, आप जाएंगे तो मास नहीं लेता है, कहता है ऊपर से लिख रहे हट्टे कट्टे मास लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो कि यूज हो रहे हैं, इतने इसमें कोई एक चीज आपको एक साथ मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें ये ले लें आँख ले लें ये बन गया आर, ये प्रिज्म हो गया ये आर स्पेक्ट्रोमीटर का, इसको डिस्चार्ज या स्पार्क इस तरह के बहुत से नाम आगे ठीक है आपके कोर्स में सिलेबस में ये वाला नाम मिलता है, प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, ये वाला जो मोस्ट मॉडर्न है
इसकी और इसकी स्पीड में अंतर यह है कि फिटिंग में बहुत से हायर ऑर्डर मिलते हैं रिजोल्यूशन के लिए, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे हायर ऑर्डर डेंसिटी कम। आप डिप्रेक्शन लेते हैं अल्ट्रासोनिक्स में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर खूब बढ़िया दिखता है, सेकेंड ऑर्डर बनाते 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 और सेकेंड ऑर्डर किसी को कह दीजिए बना बुलाइए तो कहता बनता ही पहले तो या कोई निकालता ही फर्स्ट ही ऑर्डर में परेशान हो गए हैं, पहले सेकंड ऑर्डर में जस्ता ही नहीं था, थर्ड ऑर्डर से शुरू हुआ था, पहुँचते पहुँचते फर्स्ट भी नहीं बनता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में 85% के आसपास 82% इंडस्ट्री होती है, सेकंड थर्ड में कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हायर ऑर्डर में जाएंगे, हायर ऑर्डर में जाने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है, दूर दूर पैटर्न आता है लेकिन इंटेंसिटी जीरो होती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। हमने बात की होगी कभी कि सी वी रमन ने अपना स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए के एस कृष्णन साहब को 36 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में बांध कर दिया था, कुछ नहीं खाना था, रात खा गए और उस समय कोई फोन भी नहीं होता था 1925 के आसपास वैसे उसकी लेबोरेटरी में। आप सोच सकते हैं उनको न खाना मिला न पीना मिला, मिला तो क्या मिला, जो 3.9 मिल गई जिसको स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स कहते हैं या रमन इफेक्ट मिल गया था। उसी दिन से उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे खराब समय था, 36 घंटे उसको बिना खाए पिए बंद कर दिया कमरे में, उसी दिन से कैश कृष्ण ने छोड़ दिया, इलाहाबाद आ गए हेड बन गए आगे, लेकिन इंस्पेक्टर को भी छोड़ दिया उसी दिन से उन्होंने, बाद में उनको पुरस्कार मिल गया इनको कुछ नहीं मिला, इसीलिए उनका नाम सी वी रमन ने मान लिया था कि मैंने नहीं एक रिकॉर्ड किया, ये तो मेरे स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया था, अब उसको कृष्णन और रामानी कर पहले नहीं करे तो 36 घंटे के लिए बंद करके भाग गए थे, उसने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं, 36 घंटे का एक्सपोजर टाइम का मुझे वहाँ का बैक है, यहाँ से देखें तो कितनी देर पूछते रहेंगे, एक मिनट दो मिनट, अभी तो घूरने से मेरा चल रहा था, एक मिनट देखिए तो कोई कुछ नहीं जाएगा, एक मिनट तक देखिए एक मिनट बाद पेपर मिल जाएगा, रोज देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तमाम फेनोमेना बदलते रहते हैं, आप देखते हैं इस तरह के, तो ये जो फेनोमेना है यानी हमको इसकी फास्टर डिवाइस चाहिए कि कोई ये न कहे कि आप हमको देख रहे हैं, हम अपना काम नैनो सेकंड में, बात की ICC लगाएंगे तो नैनो सेकंड में काम, किसके पास समय है एक सेकंड में, यानी सेकंड बहुत बड़ा होता है, 10^-8 सेकंड आपने देखा है एटम का एक्साइटेशन टाइम है, यानी यू हैव टू रिकॉर्ड 10^-8 सेकंड, अदरवाइज यू क्या होगा डिसेंटेशन होता है। तो चैलेंजेस यहाँ बहुत हैं, नाउ इन टर्म्स आप कह सकते हैं दुनिया लाने बताने का क्या फायदा, एक बार देखा कि मैडम है कहते हैं फिनिश नहीं है, आप फिनिश नहीं बताते हैं, सब यूनिवर्सिटी बताते हैं ये बताते हैं, अब आइए फिनिश में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों किया, क्योंकि मटेरियल के अंदर आइटम्स होंगे और एटम्स एटॉमिक सिस्टम जो है सब एटॉमिक सिस्टम या एटॉमिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है और क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी डिस्क्रीट होती है यानी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है और अदर क्वांटम होती है, तो वो आता है उसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम द इमिशन स्पेक्ट्रम इज शोन इन एक एटम के अंदर, एक मटेरियल के अंदर बहुत से एटम होंगे, बहुत से एटम से कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स हमने क्वांटम मैकेनिक्स से ड्रा किए, सेपरेशन जो है हमको मालूम नहीं है, ये कुछ सपोज के लिए चार ऊपर कर दें तीन ऊपर कर दें, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये कुछ लोअर स्टेट में, यानी नॉर्मल स्टेट में कुछ ये एनर्जी वीक में से हमने कुछ कह दिया कि ये कुछ E1, E2, E3 कुछ भी हो सकती है, तो या कंटिन्यूस भी बना सकते थे, ये सपोज करें कि हमने कह दिया कि E1 है, E2 है, E3 है, ये कुछ आपके पास एनर्जी लेवल्स हो सकती हैं, E4 ये इस तरह बढ़ता चला गया है, ऊपर जाते जाते कहीं पर जीरो हो जाता है सेपरेशन या आयनाइज़ हो जाएगा। तो ये कहते हैं जब ये कुछ ऊपर की मान लें, हम कुछ ऐसे मान सकते हैं कि सपोज कर लिए कि यहाँ से यहाँ ये कुछ जंप हो रहा है, कि ये ऊपर से नीचे जंप हुआ, ये यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, कहीं से कहीं किसी दो एनर्जी लेवल के बीच में मटेरियल जंप होकर जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा आप कितनी एनर्जी को देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कहा कि हम पर्टिकुलरली कन्फाइन करें दो एनर्जी लेवल में, आप कन्फाइन थे ये आया दिस इज दी, ये क्या होगा जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिट होगा इन बार ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलेगी इसी को हम आगे चल करके, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डिफाइन व्हेन द एटॉमिक स्पीशीज, व्हेन द एटॉमिक स्पीशीज
अभी एटॉमिक फिजिक्स का मतलब एटम हो सकते हैं, फाइनाइट एटम हो सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स का मतलब क्या है यहां पर, एटम हो सकते हैं या एटॉमिक जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट को हम कहते थे अपर स्टेट, अपर एनर्जी स्टेट, टू द लोअर एनर्जी स्टेट, टू द लोअर एनर्जी स्टेट, और इसी को ग्राउंड स्टेट भी कहते थे, ग्राउंड स्टेट। देन द बैलेंस ऑफ एनर्जी, देन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इमिशन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, व्हिच इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, व्हिच इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम यानी जब इलेक्ट्रॉन या एटम एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स आए एक संदर्भ में, ये बहुत चीजें हैं इसमें, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिकली इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के लोग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इमिशन स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड बाई इमिशन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाई ये एनर्जी, इसमें जो बड़ी है E2 बड़ी है, E1 कम है, इट इज मैथमेटिक्स, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, पूरी बात को खत्म करके वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमीडिएट वेव, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमीडिएट वेव। ये इमीडिएट वेव की फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी इमीडिएट वेव, इमिशन स्पेक्ट्रम में जो निकली उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सवाल छोड़ रहा है, आपने छोड़ जाएगा अगले दिन की जाएगी बात, ये दिखाई कैसा पड़ेगा हमको, कैसे पता चलेगा एटम के अंदर कब हो रहा है, हमको हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमने किया नहीं इंस्ट्रूमेंट, फिर भी हमको कैसे पता चलेगा हमारे माइंड में इंधन हो रहा है या दर्शन हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये फिजिकल मटीरियल होता तो देख लेते, तो ये मुझे दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखेगा उसके लिए फोटोग्राफी प्लेट पर कैसे अगले बात होगी, कब होगा अगला शर्ट, कब है आपका इसका क्लास, कल भी है, अभी आप कभी भी हैं, अगले फ्राइडे तक नहीं, नहीं अगले फ्राइडे तक नहीं जाना, पहले से करना है पड़ेगा, कल परसों आ रहे हैं आप इसमें, यस सर, कितने बजे से आ रहे हैं, कल 1 से 3 है, 1 बजे से 3।